बड़ी खबर पर लगातार टाइम्स और अखबार बना हुआ है, जहां दिल्ली में सोनू चिकना की इस वक्त कोर्ट में पेशी होने वाली। उनके पास से एक अवैध देसी पिस्तौल बरामद हुई थी, पुलिस ने ये जानकारी दी। सोनू ने स्थानीय हथियार सप्लायर की भी जानकारी दी और सोनू की निशानदेही पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। टाइम्स और भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां से कुछ ही देर में सोनू चिकना की पेशी होने वाली है। सोनू के पास से एक अवैध देसी पिस्तौल भी मिली थी और सोनू ने पुलिस की पूछताछ में जो लोकल सप्लायर है उसका भी राजफाश किया कि कहां से ये हथियार सप्लाई होते थे। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको टाइम्स और भारत पर। सोनू चिकना की पेशी अब से कुछ ही देर में होने वाली है और उसके साथ साथ एक एक करके आपको तमाम वो परतें लगातार खोलते जा रहे हैं जिन परतों को लेकर के जरूरत थी कि सच्चाई सामने आए। सोनू की निशानदेही पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी और अब से कुछ ही देर में सोनू चिकना की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, जहां सोनू चिकना को पेशी के ले जाते हुए आप वो तस्वीरें देख पाएंगे। हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, सोनू चिकना को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, इस वक्त जो सोनू चिकना उस यूसुफ जो है उसको मुख्य दंडाधिकारी कोर्ट की 7 नंबर में इस वक्त जो है वो पेश किया जा रहा है जज रीता शर्मा की कोर्ट में, और फिलहाल जो है वो कोर्ट रूम में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और सवाल ये है कि अब दिल्ली पुलिस जो है उसकी रिमांड की मांग करेगी या उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजने की बात कहेगी। हालांकि जहां तक उम्मीद है कि पूरे जहांगीरपुरी के हिंसा के मामले में जो भी मुख्य तौर पर अपराधियों के तौर पर जिनके नाम आरोपियों के आए हैं, उन सभी की दिल्ली पुलिस ने जो है वो रिमांड ही ली है ताकि पूछताछ करके बाकी के जो फैक्ट्स हैं उनको जोड़ा जा सके। और साथ ही साथ देखिए, अभी इस मामले में जो भी जिस भी हथियार का इस्तेमाल हुआ था वो कहाँ से लाया गया, उसकी बरामदगी और साथ ही साथ और ये हथियार का सप्लायर कौन, इन सभी तथ्यों को जांचना देखना जो है वो जरूरी है कोर्ट के लिए। तो फिलहाल जो है उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और थोड़ी देर में जो पुलिस जो है वो जज के सामने जो अगर उसकी रिमांड लेनी है तो रिमांड की मांग लेकर आगे जो है वो इस पूरे मामले को फिलहाल आगे बढ़ाएगी। लेकिन जो अभी जो हम देख पा रहे हैं कि जो सोनू चिकना और यूसुफ है वो इस वक्त कोर्ट नंबर 6 में जो है इस वक्त खड़ा हुआ नजर आ रहा है और साथ में उसके दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारी साथ में मौजूद हैं। बिल्कुल, शुक्रिया गौरव आपको हम तक जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए।